पैसे के लालच में डॉक्टर बना हैवान, बीमारी का डर दिखाकर कर दिया ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त एक डॉक्टर हैवान बन गया जब एक एचआईवी पॉजिटिव महिला को काला पीलिया की बीमारी का डर दिखाकर उसका ऑपरेशन कर दिया और मोटी रकम ऐंठ ली। पैसे के लालच में डॉक्टर ने महिला और उसके बच्चे की जान खतरे में डाल दी और ऑपरेशन से डिलीवरी करा दी, जिसके बाद मासूम बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। साथ ही जब महिला के एचआईवी पॉजिटिव के बारे में डॉक्टर को पता चला तो स्टाफ को घर भेजकर उससे साइन कराकर खुद को बचा लिया। उसके साथ धोखा होने की बात सामने आने पर आज हॉस्पिटल पहुंचकर महिला ने हंगामा किया और खुद के लिए इंसाफ मांगा। हुआ था आपके साथ? बोले काले पीलिए है। फिर क्या हुआ? फिर ऑपरेशन कर दिया एक डेढ़ घंटे में। मेरे घर का कोई फैमिली नहीं आया था। मुझे एचआईवी की बीमारी थी, सरकारी हॉस्पिटल में निकला था। अब मुझे पैर पेट में काले पीलिए बता के ऑपरेशन कर दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद घर पे जाकर जब जैसे साइन करवा लिए। हाँ, मुझे नहीं पता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। अच्छा, कब आई थी आप? 24 तारीख को, 24 दिसंबर। अब आप कहाँ पाएगी हैं? अब कहाँ पाएगी हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या करें आप? डॉक्टर लोग अभी नहीं मिले कोई। टाँका काटने के लिए आए थे क्या? अभी कुछ नहीं बात है। हाँ, टांग के काट निकला है। अच्छा, अभी बात नहीं हुआ। अभी कोई बात नहीं। तो डॉक्टर आया था आपके घर पर? कौन आया था? अब पता नहीं कौन से कौन नहीं। मैं सरकारी हॉस्पिटल का दवा खाते मुझे नशा जैसे हो जाता। मैं सो रही थी, आके बोले अंगूठा लगाना, साइन करवाना। फिर मैं साइन कर दी। मैं यही बोली आगे के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो नहीं। फिर नहर पे से लौट के जाकर फिर अंगूठा लगवा कर मुझे लेकर आए। दो बार गए मेरे पास। तो तुमने अपनी मर्जी से साइन करे? मैं पढ़ी नहीं हूँ, बस साइन कर दी हूँ। तो जब थी बोले कर दो कर दो कर दो, तो हम कर दिए। हम नहीं जानते उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सर, सपापा हॉस्पिटल है ये, उसका कहना यह है लेडीज़ का चाह मैं काला पीले के नाम से मेरा ऑपरेशन कर दिया, क्या कहना चाहिए? अभी जो आप बता रहे हो कि ऐसा है, अभी ये मैटर हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई शिकायतकर्ता शिकायत करेगा तो सब बाकायदा जाँच की जाएगी। जो भी जाँच के पर दोषी पाए खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।